दोस्तों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में कंपनी प्रमोशन भाई मंजीत कुमार यूट्यूब चैनल पे और जैक्स मून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों, मैं बता दूं, सिवान शहर में हॉस्पिटल रोड में जाम का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना जाम लगा हुआ है और मैं इसका सारा श्रेय गलती देना चाहूँगा नगर पालिका को, नगर परिषद को, जो कि ये जो ये रूल है नाला से पानी निकलना, नाला सफाई करना, ये नाला सफाई ऐसा नहीं होता है। पूरे इंडिया में ऐसे सफाई नहीं होता, लेकिन सिवान में ऐसे सफाई हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस तरह से ये रोक किया जाए, क्योंकि ये क्या है, किस तरह का यहाँ का प्रशासन है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस पर काम नहीं किया जा रहा है। नाला को एक तरफ से उजाड़ कर और एक तरफ से रोड पर ला दिया जाता है, रोड आधा जाम हो जाता है, उससे लोगों को आना जाना परेशानी हो रहा है। एक और बात बता दूँ कि आज से एग्जाम शुरू हुआ है, आज 1 फरवरी है और इंटर का एग्जाम शुरू हुआ है और इधर ये सेंटर भी पड़ा हुआ है काफ़ी, इधर ये भी पब्लिक स्कूल है, इधर ये बाजार इंडिया है, ये हॉस्पिटल रोड है और इधर तमाम मतलब लड़का सब आ रहा है जा रहा है, बहुत जाम लगा हुआ है। तो ये नगर पालिका को और कौन है यहाँ पे, कौन है थी नगर पालिका, कौन है इधर, ये वार्ड नंबर 18 है, वार्ड नंबर 34 है, ये हम देखिए हम रोड इस पर हैं, रोड वार्ड नंबर 18 है और उस पर वार्ड नंबर 34, तो ये नगर पालिका में आता है, ये उठने वाले हैं इस बार। आप क्या करना चाहते हैं सर? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मतलब ये हम कहेंगे तमाम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पर ध्यान दिया जाए और जो वार्ड में ये मतलब रोड पड़ता है और ये नाला पड़ता है, उस वार्ड के जो कमिश्नर होते हैं, वार्ड कमिश्नर, उन लोगों को बोला जाए, उन लोगों को चेतावनी दी जाए कि आप लोग इस तरह से काम करा रहे हैं तो ये काम ऐसा ना कराएं और ऐसा कोई उपाय हो कि ये जो नाला सफाई हो रहा है, एक बार में नाला सफाई मतलब वो गाड़ी में ही सफाई हो जाए और वो जाकर कहीं पे गिरा दिया जाए, ना कि रोड पे गिराया जाए, रोड से भी सूखने का इंतजार किया जाए। अब कब तक सूखेगा, इससे 2-3 तरह का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। देखिए, पहले तो ये जब सूखेगा तो धूल होगा और धूल होगा तो पूरा रोड पे एक और मतलब आवागमन होगा और उससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा, लोगों को आवा जाने के लिए इतना बीमारी फैलेगा और इस पर सरकार हमको लग रहा है कोई काम ही नहीं कर रहा है। पहले तो चीज़ इसमें नाला के पानी है और मिट्टी है और सब दूषितकरण है और एक बार सूख रहा है, अब सूखने के लिए इंतजार किया जाए, उसके बाद से इस पर सफाई किया जाएगा। और 90% तो हमको लग रहा है कि 80% सफाई होगा मिट्टी और 20% रोड पे ही रहेगा, अब बरसात आएगा फिर गीला होगा तो रोड इससे क्या होगा, टूटेगा, जाम होगा और ये परेशानी बढ़ता जाएगा। इस पर हमको लग रहा है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस तरह से नाला सफाई नहीं करना चाहिए, इसमें कोई और उपाय करना चाहिए। और मैं सभी नागरिक से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस पर अपील करें और बात करें इस पर। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल रोड है और वार्ड नंबर सामने 34 है, वार्ड नंबर 18 है। मैं मंजीत कुमार, कैमरामैन आकाश के साथ दूरदर्शन देखते रहिए और प्लीज़ आप लोग देखिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जैक्स मून नेटवर्क इंडिया में आप सभी का स्वागत रहेगा और कंपनी प्रमोशन भाई मंजीत कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ ऐसे अपील आप लोग मुहिम उठाइए कि इस तरह से नाला जाम जो है मतलब नाला सफाई हो रहा है, इस तरह नाला सफाई ना हो, कोई और उपाय निकाला जाए, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कितना नाला टूट चुका है, ये नाला भी टूट गया है, साफ सफाई का भी बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं है। हमको लग रहा है 10 दिन इसी तरह रहेगा, 5 दिन इसी तरह रहेगा, सूखेगा कब और कब इसको उठाया जाएगा, फिर उसमें धूल होगा, मिट्टी होगा और फिर रोड जाम होगा। अभी तो रोड जाम दिख रहा है, वहाँ रोड कितना जाम लग रहा है। तो इस वीडियो को फैलाइए, वायरल कीजिए